नमस्कार, एनएन स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग। दुनिया में अगर विश्व क्लास बल्लेबाजों के नाम लिए जाएंगे तो आप कुछ ही बल्लेबाजों के नाम लेंगे, और उन बल्लेबाजों में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के नाम जरूर शामिल होंगे। लेकिन आप क्या ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी इस क्रिकेट जगत में हो सकता है जो इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी करे? जाहिर तौर पर जवाब नहीं ही होगा, लेकिन इंग्लैंड के बड़बोले खिलाड़ी कई बार इस तरह से सामने आ जाते हैं जहां वे भारतीय खिलाड़ियों को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, और उन्होंने भारतीय टीम के दो बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को लेकर ये टिप्पणी की है। ऐसे में जाहिर तौर पर गुस्सा आपको भी आ रहा होगा कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो आपके और हमारे चहेते महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इस तरह की बातें कहे, या फिर विराट कोहली जैसे विश्व क्लास बल्लेबाज को लेकर ये बातें करे। लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने अब तक एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप ये जल्दी कीजिए। जो आपको घंटे वाला जो आइकन दिख रहा है उसे आप जल्द से जल्द दबाइए और हर नोटिफिकेशन से अपडेट रहिए। इंग्लैंड के स्पिनर मैथ्यू पर्किंस ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी की। मैथ्यू पर्किंस ने कप्तान विराट कोहली को घमंडी और धोनी के लिए तो अपशब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। धोनी के बारे में जो टिप्पणी की उसका तो हम यहां पर जिक्र भी नहीं कर सकते। मैथ्यू पर्किंस ने मंगलवार को ही केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर की शुरुआत की है। पहले ही मैच में अपने ओवर्स में उन्होंने 48 रन खर्च किए और कोई सफलता भी नहीं मिली। वह इंग्लैंड की ओर से वनडे खेलने वाले 174वें खिलाड़ी बन चुके हैं। मैथ्यू पर्किंस ने जो कुछ भी ट्विटर पर कहा उससे पता चलता है कि उनके मन में भारतीय क्रिकेट, खासकर कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या चल रहा है। बाद में जब मैथ्यू पर्किंस ट्विटर पर ट्रोल होना शुरू हुए तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने इस ट्वीट को हाल फिलहाल में किया हो, दरअसल ये ट्वीट बहुत पहले किए गए थे। लेकिन हाल ही में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के वनडे मुकाबले के बाद जब भारतीय टीम की हार हुई तो इस ट्वीट पर सभी की नजर गई, और उसके बाद ये पता चल सका कि आखिर इस इंग्लैंड खिलाड़ी के मन में चल क्या रहा है। अब फैंस तो फैंस ठहरे, जब मैथ्यू पर्किंस लगातार ट्रोल होने लगे तो वे भी परेशान हो गए और अपने ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। फैंस इसके बाद भी नहीं रुके और उनके ट्वीट के जो स्क्रीनशॉट्स लिए गए थे वे ट्विटर पर डालने लगे। अब मैथ्यू पर्किंस की समझ में आ गया होगा कि भारत में क्रिकेट खेल नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें फैंस किस हद तक चाहते हैं। वैसे इंग्लैंड के उभरते हुए स्पिनर हैं मैथ्यू पर्किंस, और उन्हें यह समझना चाहिए कि जिन बल्लेबाजों को लेकर वे टिप्पणी कर रहे हैं वो बल्लेबाज विश्व में अपना नाम कमा चुके हैं। आज भी क्रिकेट के पिचेस पर इनके सामने गेंदबाजी करने से अच्छे गेंदबाज जो हैं वो 10 बार सोचते हैं। लिहाजा अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत कर चुके मैथ्यू पर्किंस को ये सोचना चाहिए कि कभी अगर इन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करनी पड़ी तो आखिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और इस तरह से बड़बोलापन अगर वो दिखा रहे हैं तो फिर शायद ये उनके करियर के लिए भी अच्छा नहीं है। मैथ्यू पर्किंस अभी महज 23 साल के हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबा सफर तय करना है। अभी उन्होंने पहला ही वनडे मैच खेला है और उसमें भी वे कोई खास कारनामा नहीं कर पाए जिससे उन्हें याद रखा जाए। लेकिन जिस तरह से मैथ्यू ने अपने ट्वीट डिलीट किए उससे ये पता चलता है कि वे समझ गए होंगे कि किसी भी दिन भारतीय फैंस उनकी बखिया उधेड़ना शुरू कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि वे अपने पुराने ट्वीट पर माफी मांग लें और अपने खेल पर ध्यान दें, ना कि इस तरह की उलझुल बातों पर। तो एक बात तो साफ है कि मैथ्यू पर्किंस को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जाहिर तौर पर उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। बड़ी बात यह कि उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया जब प्रशंसकों ने उन्हें इस पर करारे जवाब दिए। लेकिन इस मामले को लेकर अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्या इस पर किसी तरह की और कोई हलचल होती है या फिर और कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, और अगर आप उन हलचलों को जानना चाहते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि एनएन स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके और हमारे चाहते महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली को क्या कोई इतनी आसानी से कुछ भी कह सकता है? नहीं ना। जाहिर तौर पर आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। बताइए सबको कि आखिर वो गेंदबाज कौन सा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो भी भारतीय बल्लेबाजों को लेकर जिनका नाम पूरे विश्व में है। बने रहिए हमारे साथ।